हेलो एवरीवन, नमस्कार। आ जाओ सारी जनता जितनी भी है हमारी इलेक्ट्रिकल की। और बड़ा मजा आ रहा है यार। सीरियसली बताऊं तो आज जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए हैं, उसको करवाने के बाद मुझे खुद को एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोगों को मैंने कुछ अलग चीज करवाई आज। ठीक है, और बाकी आपकी किस्मत है कि एग्जामिनर आपकी इस अलग चीज को समझ पाता है कि नहीं पाता। अगर समझ पाता है तो दी बेस्ट है, वेल एंड गुड है। क्योंकि मुझे आज ऐसे फील हुआ कि आज तक मैंने आईटीआई में कभी वैसे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बैच में करवाए। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि कुछ अलग चीज़ मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ वैसे जुड़े हैं, मेरे फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे जुड़े हैं, तो वो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर, क्या हम आपने जो पहले कोर्स ऑनलाइन करवा रखे हैं वो कोर्स पढ़े रहने दें या नया कोर्स खरीदें। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे पुराने मेरे साथ जुड़े हैं, तो देखो उसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, मान लो कि मैंने सिलेबस उसमें कुछ कम करवाया, कुछ चीजें जैसे छोड़ दी हो। ठीक है, तो अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, एग्जाम को देखता हूँ, तो कुछ ना कुछ नई चीज आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। तो हर टीचर यही होता है कि भैया अपनी पुरानी कमियों को वो सुधारता है। जैसे मान लो कि गलत मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया बच्चों को, अगर कोई चीज मुझे नहीं आती तो मैं ये आप लोगों को बोल देता हूँ कि बच्चों ये मैं कल आपको देख के बताऊंगा। लेकिन गलत पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा में ऐड करता हूँ मैं अपने लेक्चर में। ठीक है, जैसे पहला जो बैच मेरा दिया था, जैसे मान लो ऑफलाइन बैच दिया हो मैंने कभी भी, उसमें बच्चों को मैंने कुछ चीजें नहीं करवाई हो, क्योंकि वो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया, एग्जामिनर भी पूछने का तरीका चेंज हो गया। पहले आईटीआई के बच्चे क्या थे, तैयारी नहीं करते थे। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सर, एक बार बैक पेज करना। प्रीतम सिंह, ये ले दोस्त, एक बार बैक पेज कर दिया। तो पहले क्या था कि एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन देता था, क्योंकि आईटीआई के बच्चे तैयारी नहीं करते थे। जैसे हम लोग रेलवे के एग्जाम की बात करते हैं, तो रेलवे का हम लोग एक स्पीडी पढ़ के एग्जाम पास कर देते थे बच्चे। लेकिन सिस्टम चेंज हुआ, अब तो राकेश यादव आ गया, इसके बाद जैसे आर एस अग्रवाल आ गया, किताबें भी बदल गई और क्वेश्चन भी ऐसे हार्ड हार्ड देने लग गया। तो आईटीआई में भी अब बच्चों कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आईटीआई में अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, डीपली पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा और डीपली ही हम चलते हैं। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत बच्चों तुम लोगों ने पढ़ लिया। ट्रांसफॉर्मर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यह एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, एक स्टैटिक डिवाइस होती है। इसमें घूमने वाला बच्चों कोई पार्ट नहीं होता, तो इसमें फ्रिक्शन लॉस भी नहीं होता। जहां पर अगर मान लो ये ना घूमेगा तो इसमें घर्षण हानियां नहीं होगी। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैकेनिकल लॉस की, तो बच्चों इसमें मैकेनिकल लॉस नहीं होगा मेरा। ठीक है, इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, जिस साइड में क्या करता हूँ सप्लाई जोड़ता हूँ, जोड़ूंगा। ठीक है, राम राम गुरु जी, राम लाल राम राम मोहन लाल। ठीक है, जिस साइड क्या करता हूँ सप्लाई जोड़ता हूँ, तो उसे क्या बोला है बच्चों, मैंने प्राइमरी साइड बोला है। और जिस साइड मैंने लोड जोड़ा है, तो उसे क्या बोला है, मैंने सेकेंडरी साइड बोला है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है तुम्हारे सामने कि ये ट्रांसफॉर्मर का है। दोनों अलग अलग चीज बनाई है, रीजन क्या है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भैया जैसे मान लो ए साइड है मेरी, वो हमेशा प्राइमरी ही होगी, बी साइड है वो हमेशा सेकेंडरी ही होगी। जरूरी नहीं है बच्चों, यहाँ पर इस डायग्राम में अगर तुम लोग देखोगे तो ए साइड मेरी क्या है, सेकेंडरी साइड है, क्योंकि जिस साइड मेरा लोड लगा होगा वो हमेशा ही क्या होगी, सेकेंडरी साइड होगी। और जिस साइड मेरा लोड नहीं लगा होगा, या जिस साइड मैं क्या करता हूँ सप्लाई सोर्स से जोड़ता हूँ, जिस साइड मेरी सप्लाई दी जाती है, वो चाहे ए साइड हो बी साइड हो, डजेंट मैटर कोई सी भी साइड हो, वो हमेशा ही क्या होगी, प्राइमरी साइड होगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी स्लाइड यहां पे लगाता हूं मैं। तो दूसरी चीज क्या लिखी है मैंने कि ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर करता है बच्चों विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे सर कि स्टेप अप और स्टेप डाउन भी करता है। बिल्कुल स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती है। काम अगर पूछ ले, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों को यही ऑप्शन मिलेगा कि विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे करता है। ठीक
ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको कभी नहीं मिलते, जैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि यहां पर स्टेप अप करेगा मेरी वोल्टेज, तो वोल्टेज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, वोल्टेज और करंट को क्या कर देगा, दोनों को ही बढ़ा देगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी और पावर में कभी भी चेंज नहीं करेगा ट्रांसफॉर्मर, ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है, स्टेप डाउन में क्या करेगा, तो करंट और वोल्टेज को क्या कर देगा बच्चों, कम करके देगा। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये करता है मेरा ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स पे। इतना सा मोटा मोटा काम है ट्रांसफॉर्मर का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो काम करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, आपसी प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, या यहां पे तुम्हें अनोन्य प्रेरण भी मिल सकता है। अनोन्य प्रेरण, अगर अनोन्य प्रेरण भी मिल जाए तो भी सही है, ठीक है, किस हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपसी प्रेरण का सिद्धांत क्या बोलता है। तो आपसी प्रेरण का सिद्धांत, जैसे हम लोगों ने पहले बच्चों एक चीज पढ़ी थी मोटर के केस में या जनरेटर के केस में, कि अगर मान लो कि एक मान लो मैंने मैग्नेट रख दी, जैसे ये नॉर्थ साउथ है, अब मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इसके चारों ओर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर और रख दिया, तो इस कंडक्टर में भी मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का EMF पैदा हो गया। वही काम क्या होता है, इसका होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मैं मैग्नेट नहीं रखता, ठीक है, इसके अंदर कोई एक वायर नहीं रखा मैंने, इसके अंदर मैंने क्या रखा है, कुंडली रखी है दोनों की दोनों। तो चीज क्या बोलती है कि जब दो कुंडली पास पास रखी हो और एक कुंडली को सप्लाई देते हैं, तो जिसको हम सप्लाई देंगे उसके अंदर मेरा क्या बनेगा, EMF बनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, दूसरी कुंडली को भी क्या करेगा, काटेगा। जब वो दूसरी कुंडली को काटेगा तो दूसरी कुंडली में भी मेरा एक प्रकार का EMF बन जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगी, दूसरी कुंडली में भी मेरा विद्युत का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बोलता है मेरा ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। चलो यहां तक बताओ क्लियर है, और ये सारी की सारी चीजें आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दिया है मैंने। चलो क्लियर है जी, समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत ट्रांसफॉर्मर में, बेसिक चीजें पढ़ी है अब तक ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, तो अगर अटता है जो थारा कोई दिक्कत है तो बता सको, और जो दिक्कत ना है तो फिर चला आगे। चलो जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रांसफॉर्मर जो को है वो केवल एसी पर काम कराए, को डीसी पर काम कौन करे, क्यों कौन करे, रीजन बताओगे कि क्यों नहीं करता। तो कुछ बच्चों ने यहां पे बताया कि अगर डीसी देंगे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। चलो मान लो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन गया तुम्हारे हिसाब से, मैंने एक चीज और बताई कि भैया अगर मान लो एसी की जगह पे मैं डीसी दे दी तो ट्रांसफॉर्मर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, जल जाएगा। ये चीज भी बताइए मैंने कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। अब क्यों जल जाएगी वो रीजन बताना था, क्यों जलेगी, क्योंकि बच्चों डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव मतलब कुंडली वाला ना कोनी जी, चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस का मान बच्चों शून्य होता है, और इंडक्टेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब ये इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो ये पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा ऑयल डालते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वेद सिंह जी डाल सकते हैं आप सिंथेटिक ऑयल, खनिज तेल डाल सकते हैं, ठीक है, खनिज तेल डाला होता है ट्रांसफॉर्मर में। तो अब आ चीज देखो थे कि क्योंकि डीसी में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस का मान बच्चों क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने एसी थ्योरी का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ाया है मैंने, अगर वहां पर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना कि धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस एक प्रतिरोधी होता है जो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है, अगर धारा का विरोध करेगा तो वो मेरा प्रतिरोध होगा, और धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करेगा तो वो मेरा क्या होगा बच्चों, इंडक्टेंस होगा। और डीसी के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का मान ही क्या होता है, मेरा शून्य होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरी करंट क्या चलती है, डीसी में करंट मेरी सीधी चलती है, इसमें क्या मान का विरोध करेगा, क्या कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। बताओ अड़ता ही कोई डाउट, राम राम मोहन लाल।
चलो यहां तक चीज समझ आई, आगे बढ़े तो आगे बात करते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर की संरचना के बारे में। नेक्स्ट लिखोगे ट्रांसफॉर्मर की संरचना, तो आ जा भाई ट्रांसफॉर्मर की संरचना। ट्रांसफॉर्मर की संरचना, ट्रांसफॉर्मर तो देखा ही होगा तुम लोगों ने कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर बना होता है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो जानकारी है तुम्हें, घरों बाहर निकलोगा तो गांव का अड्डा पर ट्रांसफॉर्मर लागे हुआ है, ठीक है। चार खंभों पे क्या लगा होता है मेरा, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है भैया, इसमें एक तो होती है वाइंडिंग जो आप बना रहे हैं, ठीक है। ये लो बच्चों बना दी वाइंडिंग, ठीक है, ये बना दी मैंने ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग। ये कौन सी है, प्राइमरी वाइंडिंग है बच्चों, और ये मेरी कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोनों प्रकार की वाइंडिंग आ गई। अब आप लोगों ने छोटा एलिमीटर देखा होगा, इसमें क्या होती है, ई आकार की, आई आकार की, एल आकार की, इस टाइप की क्या होती है, पत्तियां होती है, जिनको क्या बोला जाता है बच्चों, कोर बोला जाता है। और वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। तो इस आकार की क्या होती है, कुछ पत्तियां बनी होती है, और किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, तो स्टील की बनी होती है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो अब ट्रांसफॉर्मर की संरचना या कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में। तो ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आती है मेरी वाइंडिंग जो मैंने ट्रांसफॉर्मर पे कर रखी है, जैसे प्राइमरी साइड आ गई या सेकेंडरी साइड आ गई, जो भी वाइंडिंग मैंने करी है। दूसरी चीज क्या आती है बच्चों, कोर आती है, ठीक है। कोर पे क्या होती है, वाइंडिंग की होती है, ठीक है, कोर या लेमिनेटेड कोर भी बोल देते हैं। ये क्या होती है बच्चों, लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसके बारे में तो चीजें तुम्हारे क्लियर हो ही चुकी होगी, क्योंकि लेमिनेशन क्यों किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाएंगे कोर, सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाते हैं ताकि मेरा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, ठीक है। और लेमिनेटेड उनको क्यों करा है, ताकि एडी करंट लॉस कम हो, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। और हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस किसके भाग होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं मेरे फिक्स लॉस के। फिक्स लॉस कौन सा होता है, आयरन लॉस। तरीका मैंने बताया था कैसे फिक्स लॉस याद रखोगे, कैसे तुम लोगों को कॉपर लॉस याद रखना है। तरीका अगर तुम लोग बता सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बता सकते तो दोबारा बता देता हूँ। फिक्स चीज क्या होता है, अगर ज्वाइंट की बात करें तो फिक्स ज्वाइंट किसका होता है बच्चों, लोहे का। लोहे का ज्वाइंट क्या होता है मेरा, फिक्स होता है। तो फिक्स लॉस क्या होंगे, लोहे को क्या बोला जाता है, आयरन, मतलब आयरन लॉस क्या होंगे मेरे, फिक्स होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भैया कॉपर लॉस, तो कॉपर का जॉइंट जो भी होगा, टेलीविजन में लगवाते हैं, रेडियो में लगवाते हैं, कोई भी बच्चा भी तोड़ सकता है उस जॉइंट को, थोड़ा सा खींच के ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो चीज मेरी क्या है, अस्थायी है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो कॉपर से लगा हुआ जो होगा, यानी कॉपर का जो लॉस होगा, वो लॉस क्या होगा मेरा, फिक्स लॉस नहीं होगा, वो लोड परिवर्तन के साथ बदलता रहेगा। तो वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो मेरा क्या होगा, बदलता रहेगा, लेकिन जो कोर में जो लॉस होगा बच्चों वो बदलेगा नहीं, क्योंकि कोर जिस चीज की मैंने बना दी उसी चीज की रहेगी, कोर लॉस उतना ही रहता है मेरा। चलो क्लियर है यहां तक। नंबर तीन बात करते हैं कि भैया इसमें और क्या चीज होती है, कंटेनर। कंटेनर क्या होता है कि जो बड़ा सा बना होता है ना, जिसके अंदर क्या होती है मेरी वाइंडिंग लगी होती है, जिसके अंदर मैंने तेल वगैरह भर दिया सारा कुछ, तो वो चीज क्या होती है मेरी, कंटेनर होती है। उसके बाद क्या होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर देखोगे तुम लोग, इस प्रकार से टर्मिनल लगे होते हैं जहां से मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन लेता हूँ। तो नंबर चार पे क्या आते हैं मेरे, टर्मिनल आते हैं, ठीक है। नंबर चार पे क्या आते हैं मेरे, टर्मिनल आते हैं। चलो एक ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम ले ही लेते हैं बच्चों, तो यहां से हम लेते हैं एक ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम तुम्हारे लिए। आ जा भाई, तो ये आ गया मेरा ट्रांसफॉर्मर, यहां से कर दिया मैंने इसको सर्च, ठीक है। तो ये है अपना एक ट्रांसफॉर्मर, चलो दिख रहा है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, देखो ये क्या होते हैं, सिंगल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, और ये जो मेरे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। अगर यहां से मैं बात करता हूं तुम्हारे लिए, तो चीज देखना, दो वाइंडिंग करी है, जहां से सप्लाई जोड़ी है, जैसे इस डायग्राम की बात करता हूं, तो यहां पर बच्चों मैंने क्या जोड़ी है, सप्लाई जोड़ी है, और ये क्या है मेरी, सेकेंडरी साइड है,
ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर की ये चीज क्या बनी है, कोर बनी है। अब कोर में क्या चलता है, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है और ये मेरी क्या है बच्चों, वाइंडिंग है। ये जो चीज है ना, जो ये वाली चीज है मेरी, ठीक है ध्यान से देखना, ये वाली जो चीज है ठीक है, जो एक आकृति में बनी हुई है, इसको क्या बोलता हूं मैं, कोर बोलता हूं ठीक है। और यहां पर क्या है मेरी, कोर के ऊपर मैंने वाइंडिंग लपेट रखी है, एक मेरी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग होगी और एक मेरी क्या होगी, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग होगी। अब ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। सर ट्रांसफॉर्मर के बाहर जो पित्तल की तीन डंडे बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देखो बताता हूँ सारी चीजें बताऊंगा तुम्हें। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कंटेनर है मेरा, ठीक है ध्यान से देखना कि ये जो पूरा का पूरा डायग्राम बना है बच्चों, ये कंटेनर का बना है, इसको बोलते हैं मेन टैंक। इसके अंदर क्या होती है, मेरी वाइंडिंग भी होती है बच्चों, प्लस दूसरा मेरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी भरा रहता है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्मर ऑयल भर के रखता हूँ ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये है मेरा कंजर्वेटर टैंक ठीक है, इसके अंदर भी बच्चों क्या होता है, ऑयल ही भरा रहता है, इसका भी कुछ अलग काम है ठीक है। तीसरी चीज आती है मेरी ब्रीदर, ब्रीदर के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, कूलिंग के लिए लगी होती है चीजें, ये क्या करती है, ताकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो है मेरा वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, वाइंडिंग क्या है मेरी ठंडी रहेगी ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाइंडिंग वगैरह ठंडी रहे, तो जो मेरी वाइंडिंग वगैरह है वो ठंडी रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एक सेकंड बच्चों, बस फोन आ रहा है एक, चलो समझ आ गई चीजें। तो ये बन गया मेरा ब्रीदर, ये आ गया मेरा कंजर्वेटर टैंक, और ये जो होते हैं, ये वाली चीजें, ये वाली दिख रही है ना तुम्हें, इनको क्या बोला है, टर्मिनल बोला है हम लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर बने होते हैं ठीक है, देख सकते हो ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, और ये वाइंडिंग के हिसाब से तुम लोगों को एक चीज समझाई है, और ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर ही समझा दिया। अगर वाइंडिंग के हिसाब से देखें तो ये मेरी प्राइमरी साइड है और ये मेरी क्या है, सेकेंडरी साइड है, और इसमें मैंने क्या लपेट रखी है, वाइंडिंग लपेट रखी है। तो जिस साइड क्या है बच्चों, यहां से सप्लाई दी है मैंने ठीक है, यहां से क्या है, लोड लगा, एक बल्ब लगा दिया, इसका मतलब मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लोड लगा दिया, और जिस साइड लोड लगा होता है वो मेरी क्या होती है, सेकेंडरी साइड होती है। चलिए, और इस डायग्राम में मेरे ख्याल से आपको कुछ चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो कोशिश करते हैं कि भैया ये इमेज जो है वो हमारी सेव हो जाए, GIF इमेज में सेव हो रही है। चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं, तुम्हारे लिए GIF भी कर लेंगे। ये लो जी, ये आ गई अपनी इमेज, और इसमें तुम्हें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर है वो खोल के बताया हुआ है क्या क्या चीजें होती है। ये वाला जो होता है वो कंजर्वेटर टैंक होता है, टर्मिनल लगे हैं मेरे, ये अंदर की चीजें हैं, कहाँ वाइंडिंग वगैरह लगी है, सारी की सारी चीज बताई है ठीक है। ये क्या है, मान लो मेरी कोर वगैरह है ठीक है, तो कोर लॉस क्या हो, कम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम है, और डायग्राम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ज्यादा दुखी मत होना क्योंकि डायग्राम बेकार सा है बिल्कुल। चलिए, तो चीजें समझ आ गई तुम्हें कि क्या चीज मैं समझा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में समझ आ गया कि भैया वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग कहाँ पे की जाती है ठीक है। तो कोर के ऊपर क्या लपेटी होती है, मेरी वाइंडिंग लपेटी होती है। दूसरी चीज क्या थी, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है वो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और जिसको लोड के साथ जोड़ूंगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर के बारे में पता लग गया तुम्हें कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है कोर को, तो लिखोगे इसमें कुछ चीजें हैं जो लिखनी जरूरी होती है, तो कोर के बारे में लिखो बच्चों, कोर यह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, कोर किस चीज की बनी होती है बच्चों, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, किससे, लेमिनेटेड पत्तियों से, लेमिनेटेड पत्तियों को, लेमिनेटेड पत्तियों से ठीक है, पतली पतली पत्तियां यूज करते हैं ठीक है। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियां
हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए यूज की जाती है। पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? पत्तियों पर पॉलिश भी लिखा मिल सकता है, ध्यान रखना, कहीं भी पॉलिश या लेमिनेशन एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं, कम करने के लिए ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्मर में दो ही लॉस होते हैं, एक तो मेरा कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है। जैसे मोटर जनरेटर अल्टरनेटर में हम बात कर रहे थे तो इसमें तीन प्रकार के लॉस थे, एक मैकेनिकल लॉस भी था, ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का ऐसा लॉस नहीं होता। इसमें लॉस क्या होता है, या तो मेरा आयरन लॉस होगा या मेरा कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करेगा? लोड पे। अगर लोड बढ़ाऊंगा तो कॉपर लॉस मेरा बढ़ जाएगा। और आयरन लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो आयरन लॉस बच्चों क्या होता है, कोर में होता है। और कोर क्या है, अगर मान लो मैंने सिलिकॉन स्टील की बनाई है तो वो लॉस मेरा फिक्स रह जाएगा, और अगर वहीं पे मान लो सिलिकॉन स्टील की ना बना के मैंने लोहे वगैरह की बना दी तो लॉस मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। और पतली पतली पत्तियां इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि बार बार मैग्नेटाइज करेंगे, बार बार डीमैग्नेटाइज करेंगे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। और लेमिनेशन क्यों किया जाता है, पतली पतली पत्तियां बना के, ताकि पूरा का पूरा एक चट्ठा सा ना बने, ठीक है, एक पूरा का पूरा। जैसे मान लो हम लोग क्या बना रहे हैं, एक तो ये कोर बना दी मैंने पूरी की पूरी, ठीक है, जिसमें बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने क्या बना दिया, चट्ठा बना दिया। दूसरा अगर मान लो मैं इसी हिसाब से बनाता हूँ कि भैया ये मेरी पतली पतली पत्तियां मैंने यूज करी है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, पतली पतली पत्तियां यूज करके बना रहा हूँ। अगर पतली पतली पत्तियां यूज करके मैंने बनाया है तो इसमें क्या होगा, लॉस कम होगा। कौन सा लॉस कम होगा, एडी करंट लॉस भी कम होगा प्लस हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक ईंट की तरह यूज कर लिया, ठीक है, ईंट की तरह कर लियो, कोई खोरिया की तरह यूज कर लियो, ठीक है, जद के होगा मेरो इमा लॉस बढ़ जाओ, किसो लॉस बढ़ जाओ, एडी करंट लॉस भी बढ़ जाओ मेरो। और बाल को अगर सिलिकॉन स्टील में यूज ना करूंगा तो बीमा मेरे के होगा हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ जाओ। बताओ अड़ता ही कोई डाउट कि नहीं, एनी वन? कंटेनर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, कंटेनर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको टैंक भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टर्मिनल के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली, काम कैसे करेगा मेरा एक ट्रांसफॉर्मर। कार्य प्रणाली पढ़नी जरूरी है ना, कि ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर काम ऐसे करता है, ये बनाया मैंने एक ट्रांसफॉर्मर, सारे डायग्राम रट दो, तुम्हें कई बार बोला है मैंने कि अल्टरनेटर ट्रांसफॉर्मर मोटर जनरेटर सबके क्या करो तुम लोग, डायग्राम रट के छोड़ दो। तो ये कर दी मैंने अपनी प्यारी वाली बाइंडिंग, लो जी। अब मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करेगा, कोई मुझे बताएगा कि भैया ये मान लो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है जो मेरी सप्लाई स्रोत के साथ जुड़ी है, और ये बच्चों मेरी जुड़ी है लोड के साथ, ठीक है, इसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया, लोड के साथ जोड़ दिया। अब तुम लोग मुझे बताओगे कोई एडी करंट लॉस क्या होता है, यही बताया मैंने वेद सिंह जी की एडी करंट लॉस क्या होता है। दोबारा बता देता हूँ हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस के बारे में, और आगे यही चीज चलनी है। एडी करंट लॉस होता है बच्चों कि अगर मान लो मैं किसी कंडक्टर में धारा दे रहा हूँ, अगर किसी चालक में मैं क्या कर रहा हूँ, करंट दे रहा हूँ, तो करंट देने पे वो चालक मेरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि इतना बड़ा कोई चालक है मेरे पास, ठीक है, जो बिल्कुल प्योर बंद है, ये मान लो कि कोई लोहे का ये टुकड़ा है, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है, जैसे मान लो 5 किलो का बाट है, ये बाट तो समझते हो, 5 किलो का बट्टा, ठीक है, तो ये 5 किलो का बाट है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। जब इसके ऊपर वाइंडिंग करी तो सीधी सी बात है कि ये धारा का विरोध करेगा, क्योंकि ये भी मेरा कंडक्टर है और वो वाला भी मेरा कंडक्टर है,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, धारा का विरोध करेगा। धारा का विरोध करने के कारण ये बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो ये क्या करेगा, गर्म होएगा, गर्म होगा। गर्म होने के कारण क्या होगा, एक शक्ति की खपत होगी। शक्ति की क्या होगी बच्चों, खपत होगी। जब ये गर्म होगा तो शक्ति की खपत करेगा, यानी कि पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये पावर क्या होती है मेरी, एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, अगर मान लो 5 किला या 10 किला का बाट है, उसमें मैंने करंट दे दिया, तो अब क्या करेगा, इसका काम है कि जूल का नियम पढ़ा है हम लोगों ने कि जब हम किसी कंडक्टर में सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है कि धारा के मान का विरोध करता है। ठीक है, जो करंट मेरा जा रहा है करंट का विरोध करेगा। अगर मान लो मेरा घर है, मेरे घर में 2 गलियां निकलती है, एक बैक साइड से भी निकलती है, एक आगे से भी निकलती है, तो क्या लोग मेरे घर से रास्ता बना लेंगे, विरोध करूंगा ना मैं कि नहीं जान देता यार मैं, मेरा घर है। तो वही चीज है, ये क्या बोलेगा, लोहा बोलेगा भैया मैं कौन जान दू, मेरे मुंह करंट, सीधी बात है, सिंपल बात, नो बकवास, मैं नहीं जाने देता। और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होएगा तो शक्ति की खपत होएगी। मेरे घर से कोई जबरदस्ती निकलेगा तो मैं तो खुद गर्म होऊंगा, तो पावर तो निकलेगी ना मेरे में से। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला है बच्चों, एडी करंट लॉस बोला है। जब क्या करेगा कि पावर की खपत होगी। दूसरी चीज आती है मेरी हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस ये होगा कि कोई मन छेड़ छेड़ के जावे। ठीक है, एक बार मेरे थप्पड़ मार जाए, फिर पाथ छोड़ जाए, थप्पड़ मार जाए, पाथ छोड़ जाए, थप्पड़ मार जाए, पाथ छोड़ जाए। मतलब क्या है कि एक बार मुझे मैग्नेटाइज कर दिया, एक बार डीमैग्नेटाइज कर दिया, एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, एक बार डीमैग्नेटाइज कर दिया। पहला थप्पड़ मार दियो फिर मन बुला लियो, फिर थप्पड़ मार दियो फिर मन बुला लियो। ठीक है, तो वो कंडीशन आ गई ना बच्चों, तो उस कंडीशन में मैं क्या चीज बोलता हूँ, वो होगा मेरा हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, हिस्टेरेसिस लॉस। बार बार मैग्नेटाइज और बार बार डीमैग्नेटाइज होने से जो शक्ति की खपत होगी वो हिस्टेरेसिस लॉस होगी, और करंट के कारण अगर चालक बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो मेरा क्या होगा, एडी करंट लॉस होगा। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस में समझ लेना चीज को, कि बार बार मैग्नेटाइज करूंगा, बार बार डीमैग्नेटाइज करूंगा। एसी है भैया, अब ये मेरी एसी है तो एसी सप्लाई किस हिसाब से चलती है, तो एसी तो मेरी इसी हिसाब से चलेगी। तो एक बार क्या बनेगी, ये चुंबकित बनेगी, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक कंडीशन आएगी जिसमें मेरा जीरो भी होगा। ठीक है, तो बार बार क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी, बार बार डीमैग्नेटाइज होगी। जब बार बार मैग्नेटाइज होगी, बार बार डीमैग्नेटाइज होगी, तो उसके कारण जो लॉस होगा उसको क्या बोलते हैं आप, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। वाह सर क्या एग्जाम्पल है आपके, थैंक यू यार। दूसरी चीज बात करते हैं कि भैया मेरा दूसरा सिस्टम क्या होगा बच्चे, एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्या बोलता है कि मेरे घर में से कोई गुजरेगा तो मैं तो विरोध करूंगा उसका। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाता है, गर्म हो जाऊंगा मैं। जब मैं गर्म हो गया तो सिंपल सी बात है कि भैया शक्ति की खपत तो होगी, मेरी भी होगी, किसी और की भी होगी। ठीक है, तो वो लॉस क्या कहलाएगा, मेरा एडी करंट लॉस कहलाएगा। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। याद रखना, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करूंगा मैं, लेमिनेशन करूंगा। और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करूंगा, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां बनाऊंगा। चलो आगे बढ़े, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे। तो जैसे ही मैंने क्या करा बच्चों, ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई के साथ जोड़ दिया। सप्लाई के साथ जोड़ने के कारण क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होगा। सप्लाई के साथ जोड़ूंगा तो करंट तो फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, मेरा एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। तो ये मेरा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और जितना ज्यादा मैं करंट दूंगा उतना ज्यादा मेरा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा इतना स्ट्रोंग बन गया कि ये मेरा क्या कर रहा है, दूसरे चालक की वाइंडिंग को भी काट रहा है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड ही चल रहा है, ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बच्चों, मेरा इतना ज्यादा स्ट्रोंग बन गया कि जो दूसरी कोर पे जो मैंने लपेट रखा है कंडक्टर, उसको काट रहा है। जब इसको काटेगा तो इसमें भी मेरा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ईएमएफ पैदा हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जब एक वाइंडिंग में मैं करंट दूंगा, इसमें मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर क्या हो जाएगा, दूसरी कॉइल जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी। जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी तो इसमें भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मेरा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और ईएमएफ कितना पैदा होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि करंट कितना दे रहा हूं मैं, यहाँ पे प्राइमरी से मान लो मैंने करंट कितना दिया, प्लस यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स लगी है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स लगी है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि करंट ज्यादा दूंगा
तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा काटेगा, और जितना ज्यादा काटेगा इन चालकों को उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। जितने ज्यादा मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को काटेगा। यहां पर ज्यादा काटेगा मतलब क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स को काटेगा, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स को काटेगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बताओ जी, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट एक चीज आती है ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया या ट्रांसफॉर्मर क्रिया, तो ये चीज आती है ट्रांसफॉर्मर क्रिया। अब भैया ट्रांसफॉर्मर क्रिया क्या चीज होती है, इस चीज के बारे में तुम लोग पढ़ोगे। तो ट्रांसफॉर्मर क्रिया क्या होती है कि बिना सप्रेस करे मेरी कोई दो वाइंडिंग पड़ी है पास पास में, और एक वाइंडिंग को मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया, ये तो मिट गया। एक वाइंडिंग के साथ मैंने क्या कर दिया, सप्लाई को जोड़ दिया, और दोनों कुंडलियां क्या है, आपस में टच नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल रूप से टच नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नेटिकल रूप से टच है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रूप से टच नहीं है, मैकेनिकल रूप से टच नहीं है, सिर्फ किस हिसाब से टच है, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से टच है। तो क्या होगा, पहली वाइंडिंग के कारण दूसरी वाइंडिंग में अगर मेरा ईएमएफ पैदा हो जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मर की क्रिया कहलाती है। चलिए, बिना संयोजन या सप्रस के, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, अगर बिना संयोजन या सप्रस, क्या लिखा है, अगर बिना सप्रस या संयोजन, ठीक है, दोनों वाइंडिंग जुड़ी नहीं है, ध्यान रखना। हेलो, अरे बैग तो घरे पड़ी है यार, अरे मैं अपनी बैग में लेके गया था ना, अरे दो हो गई थी यार मेरे पास बैग। अब मैंने अपनी बैग दी थी उसको, मेरी बैग में रखा हुआ था जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए थे, मेरी बैग मैं वो देके गया था जिसमें मेरे कपड़े वगैरह सारी रखी हुई थी, पर सिर्फ लैपटॉप की बैग नहीं देके गया था मैं। आऊंगा एक दो दिनों में, अब मतलब कल आऊंगा मैं, अभी कहाँ है लैपटॉप तेरा, घर घर से, चल ठीक है, ओके। तो आई चीज समझ कि क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चीज क्या थी कि अगर बिना सप्रस या संयोजन के, सप्रस या संयोजन के प्राइमरी वाइंडिंग से द्वितीयक वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ ट्रांसफर हो जाए, या ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ बन जाए, तो वह ट्रांसफॉर्मर क्रिया कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्रिया कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसफॉर्मर की क्रिया बोलते हैं। चीज समझ आई कि ट्रांसफॉर्मर की क्रिया क्या होती है, बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, तो पूरा ट्रांसफॉर्मर हम लोग समझेंगे, बस आप लोग बनाए रखें, देरी है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें।